कैसे आप इस मामूली सी शिप को ढूंढकर 600 करोड़ रुपए अपने नाम कर सकते हो, और सेम फोन पर बस दूसरा कलर लेने पर हमें ज्यादा पैसे क्यों देने पड़ते हैं? क्या आप जानते हो आपकी नजरों के सामने एक ऐसी चीज है जो बुलेट से भी बहुत ज्यादा तेज है और उसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है, और ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स आपको आज तक नहीं पता थे। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा अभी स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। नंबर वन, ज्यादातर लोगों को लगता है कि रॉल्स रॉयस बोट टेल दुनिया की सबसे महंगी कार है जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स है। ये कार एक चलता फिरता होटल है जो बटन दबाने से पूरा किचन टेबल बन जाता है, जिस पर आप अपने दोस्तों के साथ मोमोज, छोले भटूरे सब खा सकते हो, वो भी सिर्फ 200 करोड़ में। लेकिन दुनिया की सबसे महंगी कार तो इससे 5 गुना ज्यादा महंगी है, जिसे एक ऑडिशन में खरीदा गया था। इस सुपर कार का नाम है मर्सिडीज SLR 300, जिसकी कीमत $143 मिलियन है। नंबर टू, दोस्तों शायद आप लोगों के पास हमेशा टॉपिक की कमी होती है, लेकिन वो हमेशा सबसे बेस्ट रिप्लेयर होते हैं, यानी कि वो अक्सर टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पाते या फिर उन्हें कोई बात करने के लिए टॉपिक नहीं मिलता, लेकिन एक बार बात शुरू हो जाने के बाद वो काफी अच्छे रिप्लाई देते हैं। नंबर थ्री, एक महिला थी जिसका पति लॉटरी और इन सब चीजों में काफी पैसे डाला करता था। ये अपने पति को बताना चाहती थी कि हम ये लॉटरी कभी भी नहीं जीत सकते, और इसलिए उसने एक लॉटरी टिकट लिया और फिर उसे स्क्रैच किया। उसने उसी दुकान पर खड़े खड़े उसे जल्दी से स्क्रैच कर दिया, और किस्मत से वो उस लॉटरी को जीत गई और उसे करीब 7 करोड़ रुपए मिले। नंबर फोर, आपका मूड कैसा है ये आपके क्लोथिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपको अच्छे नहीं लगते तो आपका दिन खराब जा रहा है, क्योंकि आपका मूड खराब है, और अगर आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे। नंबर फाइव, कई लोगों को लगता है कि ब्रूस ली सिर्फ एक एक्टर थे, लेकिन रियल लाइफ में वो उतने ही स्किल्ड मास्टर आर्टिस्ट थे जितने कि वो टीवी पर दिखते थे। ये एक प्रोफेशनल फाइटर थे, और हाँ, इन्होंने कई सारे फाइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, और इनकी सबसे खास बात यह थी कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। नंबर सिक्स, बिल्डिंग को बनाने के बाद उसे लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है। सोचने में काफी अजीब लगता है, लेकिन कई साल पहले ये हो चुका है इंडियाना बेल बिल्डिंग के साथ। ये कमर्शियल बिल्डिंग थी, और 1930 में इंजीनियर को लगा कि बिल्डिंग को अगर 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाएगा तो एक्सपेंशन के लिए और भी ज्यादा स्पेस मिलेगा, और फिर एक महीने के अंदर ही इस बिल्डिंग को 90 डिग्री तक रोटेट किया गया, और कमाल की बात तो यह है कि बिल्डिंग आज भी सही सलामत मौजूद है। नंबर सेवन, आपको कभी भी प्याज और आलू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो प्याज होता है वो कुछ वक्त के बाद एथिलीन गैस छोड़ता है जो किसी भी चीज के पकने की क्षमता को बढ़ा देता है, जैसे कि जो आलू होते हैं वो जल्दी पककर खराब हो जाएंगे, इसके बाद आपको उसे फेंकना पड़ेगा। नंबर एट, ये बात आपको शॉक कर देगी कि आपके घर में जो ग्लास लगा है वो एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज है। ये टूटा हुआ कांच बुलेट से कई गुना ज्यादा फास्ट होता है। वैसे तो हमारी आंखें इतनी तेज ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाती, इसलिए दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करके स्लोमो किया जाता है तब पता चलता है कि बुलेट फास्ट तो है, लेकिन ये टूटा हुआ ग्लास उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है। ग्लास काफी ज्यादा फ्रेजल होता है, और इसे तोड़ने के लिए बस एक पॉइंट पर प्रेशर डालना पड़ता है, जिसके बाद पूरी ग्लास में टाइनी क्रैकर्स बन जाते हैं। नंबर नाइन, इस आदमी ने बाइक लेने के लिए पूरा पेमेंट 1 रुपए के कॉइन्स में किया। जहां तमिलनाडु के एक बंदे ने 2.5 लाख की गाड़ी खरीदी थी, लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि उसने 1-1 रुपए के कॉइन से खरीदी थी। उसने 1 रुपए के कॉइन्स को 3 साल से सेव किया था, और उसने जब बाइक के शोरूम में कॉइन्स दिए तो उन लोगों को उसे काउंट करने में करीब 10 घंटे का समय लगा। नंबर 10, अगर आपने कोई फोन लिया है और फोन के लिए अगर आप कोई कलर चूज करते हैं तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो सिर्फ फोन के साथ नहीं होता, बल्कि कई सारी चीजों के साथ होता है। आईफोन की बात करें तो कलर में भी ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का फर्क होता है, और ये दरअसल फोन वालों का पैसे कमाने का एक तरीका है। अगर आपको दूसरों से अलग दिखना है तो आप यूनिक कलर चूज करते हैं, तो उसके लिए कंपनी आपसे ज्यादा चार्ज करती है, और हर एक कलर का अलग अलग प्राइस सेट किया जाता है। ज्यादातर केस में ये रैंडम होता है। नंबर 11, एक ऐसी जगह है जहां आपको 600 करोड़ रुपए पानी के ऊपर तैरते हुए मिलेंगे। यमन के किनारे पर एक जहाज बनी हुई थी, लेकिन फिर इसकी रस्सी टूट गई और ये शिप पानी में बहने लगी। देखते ही देखते ये पानी में काफी आगे चली गई। इस शिप में तेल था, और इसे ढूंढने में और वापस लाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगने वाला था, तो इसके मालिक ने इसे छोड़ दिया। तब ऑयल का प्राइस इतना ज्यादा नहीं था, और ये जहाज आज भी ऐसा ही समुद्र में पड़ा है, और इसमें करीब 612 करोड़ रुपए का तेल पड़ा हुआ है। नंबर 12, इन पिलर्स को देखिए। इन्हें पहली नजर में देखने पर नॉर्मल पिलर लगते हैं, लेकिन जब इन्हें थोड़ी देर और देखते हैं तब इसके बाद हमें यहाँ पर लोग दिखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद हमारी नजर उसके ऊपर से हटती ही नहीं है। नंबर 13, दोस्तों अगर आप लेफ्ट हैंडेड होना तो आर्मी में जाकर आपको ये चीज बहुत दिक्कत देगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की आर्मी के अलग अलग सैल्यूट करने के तरीके होते हैं। जैसे कि अगर इंडियन फोर्स को ले लें तो जो नॉर्मल इंडियन आर्मी होती है
तो वो ओपन पाम से सैल्यूट करती है और उनका जो हाथ होता है वो जस्ट आईब्रो के थोड़ा ऊपर होता है। वहीं जो इंडियन नेवी होती है वो 90 डिग्री पे सैल्यूट करती है और उनका जो हाथ है वो फोरहेड की तरफ होता है। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो वो 45 डिग्री में सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक प्लेन टेक ऑफ करता है। अब इसका रीजन ये है कि मेजोरिटी ऑफ लोग दुनिया में राइट हैंडेड है तो इसलिए वो नेचुरल है, पर लेफ्ट हैंडेड लोगों को भी राइट सैल्यूट ही करवाया जाता है क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। नंबर 14, दोस्तों पानी को जीने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है और है भी। इसके ऊपर एक बहुत फेमस लाइन है जो कहती है, जल ही जीवन है, लेकिन इस पानी को पीना तो दूर ये शायद हमें कभी देखने को भी ना मिले। इस बोतल का नाम है एक्वा दी क्रिस्टालो, जिसकी एक बोतल की कीमत 45 लाख रुपए है, जो एक लीटर भी नहीं है, जो कि 750 ml की है। लेकिन ये इतना महंगा क्यों है? तो आपको बता दें कि इसकी पैकेजिंग इसे इतना महंगा बनाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसे 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि पानी में 5 ग्राम गोल्ड भी मिलाया जाता है। नंबर 15, जिन लोगों का एक बार डिवोर्स हो जाता है उन्हें लगता है कि वो दूसरी शादी करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, मगर ये चीज बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि जो दूसरी शादी होती है उनका डिवोर्स का रेट 67% होता है, यानी कि 100 में से 67% चांस है कि आपकी दूसरी शादी भी अनसक्सेसफुल हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप थर्ड मैरिज की सोच रहे हैं तो इसके अनसक्सेसफुल होने के 75% चांसेस होते हैं क्योंकि आपका तो 2 बार डिवोर्स हो चुका है, जिस वजह से थर्ड मैरिज में डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 16, दोस्तों अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं और उनकी ताकत एक्चुअली में इतनी है कि ये अभी जहां घर है वहां से 400 किलोमीटर ऊपर तैरता है, लेकिन इतने ऊपर होने के बावजूद भी ये धरती पर किसी चलते हुए इंसान के जूते का साइज और कलर भी बता देगा। तभी तो ये अरबों लाइट ईयर दूर के सारे तारों को भी इतने डिटेल्स में कैप्चर कर लेता है। नंबर 17, दोस्तों खाना बिल्कुल सस्ता नहीं होता, कई लोग पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं तो वहीं कई लोग खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करते हैं। पूरी दुनिया में कई लोग खूब मेहनत करने के बाद भी अपना पेट मुश्किल से भर पाते हैं, तो वहीं कई लोग दिन रात मेहनत इसलिए करते हैं ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर सकें। नंबर 18, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी काम से दूसरे कमरे में जा रहे हो और वहां जाने पर आप भूल जाते हो कि आपको आखिर काम क्या था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब डोर से गुजरते हो तो हमारे मन में एक लूपिंग इफेक्ट बनता है और इसकी वजह से हम हमारे काम को भूल जाते हैं और हम कुछ और ही सोचने लगते हैं। नंबर 19, एक ऐसी जगह है जहां महिलाएं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार नहाती हैं, जब इनकी शादी होती है तब ये एक बार नहाती हैं। इस बीच ये अपनी पूरी बॉडी पर मिट्टी लगाती हैं और एक खास तरीके का सेंट लगाती हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए। इन औरतों को नहाना तो दूर की बात है, पानी को टच करना भी अलाउड नहीं है, इसलिए ये कपड़े और बर्तन भी नहीं धोती और पानी भी खास तरीके से पीती हैं और इस ट्राइब का नाम है हिम्बा ट्राइब। नंबर 20, बचपन में हमारा सपना भी ऐसी लेड रिप्लेस करने वाली पेंसिल खरीदने का रहता था, जो पूरा भी हुआ और नटराज वर्सेस अप्सरा की लड़ाई में हमें कभी पता ही नहीं चल पाया कि दुनिया की सबसे महंगी पेंसिल कौन सी है। इस पेंसिल का नाम है ग्राफ 1 फेवर कैस्टल, जिसकी एक पेंसिल की कीमत 10 लाख रुपए है। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। इस तरह की पूरी दुनिया में सिर्फ 10 पेंसिल ही बनी थी, जिसे 240 साल पुराने वुड और 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनाया गया था। नंबर 21, एक्सपेंसिव पेंसिल की बात हुई है तो इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि इरेजर की बात कैसे नहीं होगी। दुनिया की सबसे महंगी इरेजर को भी ग्राफ 1 फाइवर कैस्टल ने बनाया है, जिसने सबसे महंगी पेंसिल बनाई थी। ये जानकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये सबसे लग्जरी स्टेशनरी बनाने के लिए जाने जाते हैं। लगता है सारे रॉयल बच्चे इन्हीं से सब चीज लेते होंगे। एनीवेज, इस इरेजर की कीमत 14,000 रुपए से भी ज्यादा है, जिसके अंदर प्लेटिनम की ग्रिप लगी हुई है, जिसे पकड़कर आप बिना इरेजर को गंदा किए अपनी गलती मिटा सकते हो। नंबर 22, क्या आपको पता है जब बेबी पांडा जन्म लेता है तब वो एक छोटे चूहे से भी छोटा होता है, लेकिन फिर आगे आने वाले कुछ ही वीक्स में उसका साइज अपने पहले वाले साइज से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 23, दोस्तों पूरी दुनिया में जितने लाइन मौजूद हैं उसमें से 2 गुना ज्यादा तो लाइन के स्टैचू मौजूद हैं, यानी कि ये लाइंस भी इतने नहीं है जितने कि उनके स्टैचू है। सोचिए इनकी प्रजाति कितनी जल्दी खत्म हो रही है। नंबर 24, दोस्तों हाल ही में आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसा भी आईफोन है जिसके लिए आपको किडनी के साथ साथ लंग्स, आंख, बाल, खाल सब कुछ बेचना पड़ेगा, जिसका नाम फॉल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड, जिसकी कीमत $48.5 मिलियन है। ये इंडिया में 400 करोड़ रुपए होते हैं। ये आईफोन 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा पिंक डायमंड भी लगा है, जो दिखने में बहुत ही मस्त लगता है। नंबर 25, इस दुनिया में बहुत अजीबोगरीब तरह के शूज आते हैं, जैसे कुछ में लेसेस खुद टाइट हो जाते हैं, किसी में आप गाने सुन सकते हो, यहां तक कि इन शूज को तो आप डिजाइन भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। लेकिन ये सारे एडवांस फीचर दुनिया के सबसे महंगे
शूज शो मून स्टार के सामने नजर भी नहीं आते क्योंकि इसे डायमंड से बनाया गया है। इन शूज को बुर्ज खलीफा से इंस्पायर होकर बनाया गया है और इसकी डिलीवरी हेलीकॉप्टर से होती है। क्या आपको पता है छाते के अंदर सिल्वर कोटिंग क्यों जरूरी है? फोन में एक ये चीज करके इंटरनेट स्पीड हाई हो जाएगी। एक ऐसा ऐप जिससे फोन कभी चोरी नहीं होगा। और क्या आपको पता है सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल पिक्चर सर्किल ही क्यों होती है? अगर नहीं जानते तो ये रहा लिंक, जाओ और देख लो जो कि काफी मजेदार है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।